हे द लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज हम लोग चेक करने वाले हैं ओवरऑल एनर्जीज़ पूरे दिन, आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स क्या रही हैं, क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे वो आपसे रिलेटेड। आज ये सारी बातें मैं आज आपको रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली बताने वाली हूँ। ध्यान रखिए, रीडिंग्स जनरल है, अगर आपको भरोसा है, ट्रस्ट है, रीडिंग्स बिल्कुल आप रेजोनेट कर पाएंगे। आपके ट्रस्ट से ही आपको बहुत जल्दी डिवाइन इंडिकेशन देकर रिजल्ट्स दिलाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स, देखते हैं यूनिवर्स का क्या इंडिकेशन है। सब कुछ आपके सामने होगा, शफलिंग आपके सामने होगी, लेकिन अगर आपको रीडिंग्स पर ट्रस्ट है, बहुत जल्दी रीडिंग्स आपकी लाइफ में कमाल करेंगी और अच्छे नतीजों की तरफ आपको लेकर जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइन का इंडिकेशन। अपने पार्टनर का नाम मन ही मन विजुअलाइज करें और देखते हैं डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की आज के पूरे दिन क्या एनर्जीज रही है, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके पार्टनर की एनर्जी। ओके, द हैंग्ड मैन पहला कार्ड आया है, दैट इज़ द हैंग्ड मैन। और देखते हैं, डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें और बताएं एनर्जीज। वाओ, नाइन ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। वाओ, द मैजिशियन का कार्ड आया है, फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बॉटम डेक है, दैट इज द एम्प्रेस। ओके, सारे कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, आई होप क्लियरली आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, सबका इंडिकेशन हमारे सामने है और हर एक कार्ड का संकेत मीनिंग अलग होता है, जो कहीं ना कहीं हमको आज बताने वाले हैं कि यूनिवर्स का, डिवाइन का हम सब लोगों के लिए क्या एक संकेत है, क्या एक मैसेज है। ओके, सो सारे कार्ड्स हमारे सामने हैं। सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया था, जिसका इंडिकेशन ऐसा आया है कि आपका पार्टनर थोड़ा चीज़ों के अंदर ना खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। आपका पार्टनर खुद को चीज़ों के अंदर ना एकदम ऐसा फील कर रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। ये करना तो चाहते हैं, बदलावों को भी देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि ना ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये सामने से किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ आगे, मैं कैसे बढ़ूँ आगे। एक कन्फ्यूजन दिमाग में बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को इतने प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, प्लान नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से श्योरिटी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ी अभी कम दिख रही है। इनके दिमाग में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती जा रही हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि अगला डिसीजन क्या बनाना चाहिए या अगला डिसीजन रिलेशनशिप के लिए क्या होना चाहिए। ऐसा फील हो रहा है कि ना ये सामने से आना तो चाहते हैं, सामने से कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, सामने से चीज़ों के लिए बोलना तो चाहते हैं, लेकिन इतने पॉजिटिवली ना प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आपके रिलेशनशिप की पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये समय वो अपने आप को, सेल्फ लव को, सेल्फ हीलिंग को ज़्यादा दे रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द रिलेशनशिप पार्ट। नंबर सेकेंड मुझे यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है, दैट इज़ आप ना इन चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि वो भी चीज़ों पर इतने पॉजिटिवली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी चीज़ों के लिए सोच रहे हैं और अंदर से ना खुशी बिल्कुल भी नहीं फील हो रही है। अंदर से एक अनसैटिस्फाइड, एक अनहैप्पीनेस पिक्चर मुझे ज़्यादा दिख रही है। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ आगे, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। यूनिवर्स इनसे बहुत सारी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल्स देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से ना पॉजिटिवली समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना है। इमोशंस बहुत बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं ये पर्सन, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे अगला स्टेप या अगला एक्शन आगे क्या लेना चाहिए।
ये बात बिल्कुल सच है कि पास्ट की चीज़ों को या पास्ट के रिलेशनशिप को, एक पास्ट की टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक वो समय जो रिलेशनशिप को देना चाहिए, या एक जो समय रिलेशनशिप में खुद को 100% देना चाहिए, ऐसा फील होता है कि अभी ये ना अच्छी चीज़ों की बजाय, यू नो, जो लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं या होनी चाहिए, उसकी बजाय एक पास्ट के टाइम को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस पास्ट के टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आज के दिन इनके दिमाग में रही है, कन्फ्यूजन बहुत है, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, इमोशंस को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ना कर नहीं सकते, इनके पास बहुत ऑप्शंस आते हैं, इनके पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते हैं कि ये बेटर कर पाएँ, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है। लेकिन आई कैन जेन्युइनली सी कि ये इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए सोचते हैं। इनके दिमाग में चलता तो है कि यार मुझे बेटर करना है, इनके दिमाग में चलता तो है कि मुझे चीज़ों को फेवरेबल बनाना है, मुझे चीज़ों में एक पॉजिटिव, यू नो, बदलावों को देखना है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके लिए डिसीजन नहीं बना पाते, उस स्टेबिलिटी के लिए सामने से एक्शंस नहीं ले पाते कि व्हाट शुड आई डू, मैं अपने आप का बेटरमेंट करने के लिए या चीज़ों को अच्छा करने के लिए मैं क्या करूँ, उस इमोशन को ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं। या तो इनके साथ ना ऐसा चल रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आई है, या तो ये आपके सामने से कहीं गुजरे हैं, या तो आपके सामने से इनका आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ है, बट इनको बात करनी है बट इन्होंने करी नहीं है, आपके सामने से ही ये जा रहे हैं और यू नो एक आई टू आई कॉन्टैक्ट हो पा रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन में बिल्कुल ज़ीरो बन रहे हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो बन रही है, कम्युनिकेशन के मामले में ये बहुत सोच रहे हैं। लेकिन अभी नहीं, मे बी द कमिंग टाइम दिस रिलेशनशिप कैन कम इन अ वेरी गुड मैनर, लेकिन आई विल जेन्युइनली से दैट ही इज़ मिसिंग द ओल्ड रिलेशनशिप। वो पुराने रिलेशनशिप को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो पुराने टाइम को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये विश आपकी ही नहीं है कि रिलेशन बेटर करना है, ये विश उनकी भी है, ये इच्छा उनकी भी है, ये चीज़ वो भी सोच रहे हैं, ये चीज़ वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में एक अच्छा चेंज, रिकन्सिलेशन, साथ में टाइम स्पेंड करना भी होना चाहिए। लेकिन आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि सामने से ना हम कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, सामने से ना हम बोल नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, सामने से हम बता नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। आप में से कुछ लोग के रिलेशनशिप्स में किसी थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, किसी थर्ड पार्टी ने भी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करी है, किसी थर्ड पार्टी ने भी अपना इन्वॉल्वमेंट देने की कोशिश करी है, उसका गिल्ट भी इनको है कि वो थर्ड पार्टी आई और देखो हमारा साथ सब कुछ एक अच्छा हंसता खासा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। आज इनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि गिल्ट बहुत है, रिग्रेट बहुत है चीज़ों का, क्यों ख़राब हुई, नहीं ख़राब होनी चाहिए थी, बेटर होनी चाहिए थी। लेकिन उस जोन ने इनके आने वाले टाइम को भी, यू नो, जहाँ पर ये अच्छा भी कर सकते हैं वहाँ पर इनको कन्फ्यूजन में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन देखो, यूनिवर्स का मिराकल, भले ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, ये पर्सन अपसेट है, इनकी इच्छा है बेटर करने की, थर्ड पार्टी ने भी चीज़ें ख़राब करी है, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है मुझे आज आपके लिए क्या दिख रही है, जिसको देखकर आपको बहुत ग्रेटफुल, जिसको देखकर आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, दैट इज़ मैजिक। मैजिक का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है भले अनएक्सपेक्टेड वे में, बट ये रिलेशनशिप बहुत फेवरेबल बन सकता है। लेकिन ये तभी बन सकता है व्हेन यू ट्रस्ट, ये तभी बन सकता है व्हेन यू डिज़ायर, ये तभी बन सकता है व्हेन यू रियली वांट की चीज़ें फेवरेबल बने। ये चीज़ देखो मेरे हाथ में है, जो कि इंडिकेट कर रही है, द मैजिशियन के कार्ड को ज़रूर क्लेम करें आप सब लोग, क्योंकि ऐसा फील होता है आने वाले टाइम में, आप नहीं क्योंकि आप दोनों तो एक ऐसे जोन में हो जहाँ पर प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पर प्रॉपरली बात ही नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पर प्रॉपरली चीज़ों के लिए, यू नो, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ले पा रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यू नो, नेगेटिव चल रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ये तो आपसे रिलेटेड चीज़ें हो गई जो ये बहुत महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है चलिए ये देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम मन ही मन लें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। अपने पार्टनर का नाम मनी मन लें, पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड करें
पार्टनर के लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके देखो अवेकनिंग का कार्ड आया है, रियलाइज हो रहा है। मैंने बोला ना कि गिल्ट बहुत अंदर भरा हुआ है, एक गिल्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है अंदर ही अंदर। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। या सॉरी एक्सक्यूज मी, एक ऐसा टाइम दिख रहा है कि ना चीज़ें इनको एहसास हो रही है, चीज़ें इनको रियलाइज हो रही है, इनको अब समझ में आ रहा है कि जो सारी चीज़ें पास्ट में इस रिलेशनशिप में हुई हैं वो ख़राब थी। मतलब जो जिन जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में फाइटिंग हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, इनको अब एहसास हो रहा है, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि उस चीज़ ने हमारा अच्छा खासा रिलेशनशिप भी हैम्पर किया है। डिवाइन और गाइड करें मेरे व्यूवर्स को कि उनके पार्टनर की लाइफ में भी क्या चल रहा है। अवेकनिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये पर्सन, इनको ऐसा लग रहा है अब इनको चीज़ों का एहसास हो रहा है। वाओ दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, न्यू डोर ओपनिंग, अपनी लाइफ के किसी नए जोन की तरफ ये पहुंच रहे हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, किसी नए तरफ ये इंडिकेशन जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनके सामने कोई नई पिक्चर क्रिएट होने वाली है। पिक्चर एज इन कि क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं इनके लिए। यूनिवर्स ने एक अच्छा इंडिकेशन ओपन कर दिया है जो कि बहुत खूबसूरत इंडिकेशन दे रहा है। इनके पास लाइफ में अब कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जहाँ पर ये खुद आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखो उदास ये हैं, उदासी पर्सन के दिमाग में है, लेकिन देखो कितनी अच्छी बात है ये भी किसी वजह से हो रहा है। डिवाइन उनको किसी चीज़ का रियलाइज़ करवा रहे हैं, एहसास करवा रहे हैं, और यही चीज़ आने वाले टाइम को डिनोट कर रही है कि एक अच्छी नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। वेरी पॉजिटिव कार्ड। Oh my goodness, twin flame is near। ये person हो सकता है कि आपके लिए ही बना हो, ये person हो सकता है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही relationship के लिए आया हो। ये person for sure आपका twin flame हो सकता है। Bottom deck check कर लेते हैं, that is life lessons and healing। ये time अभी आप दोनों के relationship की healing का चल रहा है, ये time understanding का चल रहा है, जो चीज़ें अभी आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं। लेकिन देखो डिवाइन का कितना खूबसूरत इंडिकेशन है, ये इंसान, ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जीज का दिख रहा है। ये इंसान इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही एक हेल्दी कनेक्शन बनाने के लिए आया है। वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन, वेरी पॉजिटिव कार्ड रीडिंग आज इनकी, मतलब ये टॉपिक की रीडिंग्स मुझे बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रही है। इनकी लाइफ की रियल पिक्चर, एक रियल सच्चाई बता रही है कि चल क्या रहा है, फेस क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर देखो आज क्लियरली आई है। ये पर्सन के साथ किसी प्रकार का अच्छा इंडिकेशन मिल सकता है। ये टाइम जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग, ये टाइम जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन ये किसी वजह से है, और उसकी रीज़न ये है कि ये समय आप दोनों की लाइफ का एक ऐसा है जहाँ पर आप लोग चीज़ों का लेसन ले रहे हो, जहाँ पर आप चीज़ों का एक लेसन ले रहे हो कि कैसे बेटर करना है, कैसे बेटर करना है, क्या चीज़ें हमें करनी है आगे आने वाले टाइम में, जिससे कि ये जोन हमारी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल बने। वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन, आज की रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आई है। ये समय आपकी लाइफ का कोई लर्निंग को डिनोट कर रहा है, किसी अंडरस्टैंडिंग को डिनोट कर रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें। ये टाइमिंग आप दोनों की हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, डिवाइन टेस्ट दोनों का ले रहे हैं, स्पेशली आपके पर्सन का ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन आने वाला है, इसको ज़रूर क्लेम करें। राधे राधे।